अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैश्यनवर है और हमने बात करनी है आज सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर के एक टॉपिक की, जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन। इंसानों के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो एंडो स्केलेटन होता है, यानी जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये बना होता है दो तरह के स्ट्रक्चर से जिन्हें कहते हैं हम बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हमने इसे डिटेल में स्टडी करना है कि इंसानों के स्केलेटन में कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं और कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो देखिए, एडल्ट ह्यूमन एंडो स्केलेटन जो है उसके अंदर 206 हड्डियाँ हैं। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ह्यूमन है, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का जो मिसकंसेप्शन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी, कि इंसानों के अंदर, मर्दों और औरतों के अंदर हड्डियों में कोई फ़र्क होता है। नंबर वाइज कोई फ़र्क नहीं होता। मेल में भी 206 हड्डियाँ होती हैं और फीमेल में भी 206 हड्डियाँ होती हैं। अलबत्ता कुछ हड्डियाँ ऐसी हैं कि जिनका शेप जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि बीबी हवा को जो है वो हज़रत आदम की पसली से बनाया गया था, तो शायद मर्दों में जो है वो एक हड्डी कम है या औरतों में एक हड्डी ज़्यादा है, तो ये एक टोटल मिसकंसेप्शन है। दोनों के अंदर, इंसानों का स्केलेटन आप उठाकर देख लें, मेल का या फीमेल का, अगर आप काउंट करेंगे तो हड्डियाँ आपको 206 मिलेंगी। अच्छा, अब ये जितनी 206 हड्डियाँ हैं इन्हें डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, यानी स्केलेटन को, इंसान के स्केलेटन को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। एक वो पार्ट है जो बीच में है, तो सेंटर वाला जो स्केलेटन है, बीच में जितनी हड्डियाँ हैं वो मिलाकर कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, और जो साइड्स में है, जो हमारे हाथों और पैरों के अंदर हड्डियाँ हैं, वो मिलाकर कहलाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल के अंदर क्या क्या है, बीच में क्या मौजूद है, तो आपका स्कल जो खोपड़ी है वो, उसके बाद आपकी चेस्ट की बोन जो बिल्कुल बीच में मौजूद होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसके बाद आपकी पसलियाँ, ठीक है, और पीछे की तरफ मौजूद है वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये सारे सेंटर में मौजूद है, ये मिलाकर कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। ये करीब 80 के करीब हड्डियाँ बनती हैं। और इसके बाद आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी वो हड्डियाँ आती हैं जो आर्म्स में और लेग्स में, यानी अपर लिम के अंदर और लोअर लिम के अंदर आ जाती हैं, और इसके अलावा अपर और लोअर लिम को जोड़ने की जिम्मेदारी होती है एक अदद पीस की, जिसे हम कहते हैं गर्डल। अपर लिम को जोड़ने वाला जो होता है वो कहलाता है पेक्टोरल गर्डल, या आपके आर्म को जोड़ता है आपकी सेंट्रल बॉडी से, और लोअर लिम को जोड़ने वाला जो गर्डल होता है वो कहलाता है पेल्विक गर्डल। इसका काम होता है आपकी लेग को जोड़ना आपकी सेंट्रल बॉडी से। तो ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अब बाकी जितनी बच गई 80 को हटाकर, वो सारी की सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। मेरी मैथ बहुत बेकार है। अच्छा, अब इंसानों का जो एंडोस्केलेटन है उसका, वो इंसान की बॉडी का कितना परसेंट है, तो 18% है। एक क्या पता लगेगा इससे भाई, तो अगर एक इंसान है जिसका वेट 100 किलोग्राम है, अगर आप, अच्छा ये 100 है, 160 नहीं है, 100 किलोग्राम है, तो अगर आप इसके अंदर से इसकी सारी हड्डियां निकाल लें और उन्हें वजन करें, तो ये उसका 18% बनेगा, यानी 18 किलोग्राम, ठीक है। तो ये बस एक MCQ वाइज इंपॉर्टेंट बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सियल स्केलेटन फर्स्ट। हम वो स्केलेटन डिस्कस कर रहे हैं जो सेंटर में है। तो पहली बात तो जो एक्सियल स्केलेटन है, आपको नज़र आएगा कि ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि अगर आप स्कल की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, अगर आप स्टर्नम और रिब्स की बात करें या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को और लंग्स को। तो पहले इसके अंदर आता है स्कल। अब ये जो स्कल होता है ना हमारा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका वो पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये 8 हड्डियों से मिलके बनता है हमारा क्रेनियम। इसके बाद आता है हमारा जो स्कल का नीचे वाला हिस्सा है, जिसे आप फेस कहते हैं। इसमें जो हड्डियां होती हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं। ये तकरीबन 14 के करीब हड्डियां होती हैं, तो 8 और 14 मिलाकर तकरीबन 22 हड्डियां होती हैं जो हमारे स्कल के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बोन वो होती है जो डेंट्री कहलाती है। इंसानों के अंदर इसे डेंट्री नहीं कहते, दूसरे एनिमल्स के अंदर डेंट्री कहा जाता है। ये वो हड्डी है जिसके ऊपर आपका नीचे वाला जॉ जो है, ये जो दांतों का पूरा सेट है आपका नीचे वाला, वो सपोर्टेड होता है। हमारे यहाँ इंसानों में उसे मैंडिबल कहा जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास स्कल की डायग्राम है। तो स्कल के अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज क्रेनियम, ठीक है। ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ क्रेनियम। ये आगे वाली बोन है फ्रंटल बोन, ये आपका माथा बनाती है। इसके नीचे ब्रेन का जो हिस्सा होता है, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, वो कहलाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल बोन के नीचे है तो फ्रंटल लोब। उसके बाद ये हड्डी है, ये एक राइट साइड पे होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी, दिस इज नोन एज पैराइटल बोन। इसके नीचे ब्रेन का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा पैराइटल लोब। और ये पीछे एक हड्डी है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन, इसके नीचे जो हिस्सा होगा वो ऑक्सीपिटल लोब कहलाएगा। और ये साइड में एक इस तरफ और एक उस तरफ लेफ्ट साइड पे हड्डी होगी, ये कहलाती है टेम्पोरल बोन। तो ये कितनी हो गई, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो ये दो हो गई, ये दो हैं, तो
तो ये चार हो गई, और ये दो हैं तो ये छः हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं स्फीनॉइड बोन, ये नज़र आ रही, और एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं इथमॉइड बोन। ये सारी की सारी बोन्स जो हैं ये हमारा क्रेनियम बनाती हैं, ये वो हिस्सा है जो ब्रेन बॉक्स है। बाकी की जो हड्डियां बच गई वो हमारा फेस बनाती हैं, ये फेशियल बोन्स होती हैं 14, इनमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं। एक ये लोअर जॉ जिसके ऊपर होता है, ये आपके दांत है नीचे वाले, तो ये लोअर जॉ जो सपोर्ट करने वाली हड्डी है ये मैंडिबल कहलाती है। अपर जॉ जिसमें लगा होता है ये हड्डी मैक्सिला कहलाती है। इसके अलावा ये हमारी चीक बोन है, जब हम हंसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ये हमारी जाइगोमैटिक है। नोज बनाने वाली जो है वो नेजल बोन होती है। खैर ये आपने नाम याद नहीं रखने। ओके, इसके अलावा कुछ हड्डियाँ होती हैं जो आपके कान के अंदर होती हैं, वो कहलाती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है, ये आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं। मैं दिखाता हूँ, ये ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं ये सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं बॉडी की, और ये तीन जो हैं ये राइट ईयर में होती हैं और तीन जो हैं ये लेफ्ट ईयर में होती है। मैं इनके डायग्राम दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें, ये जो तीन बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसमें एक मेलियस होती है, एक इनकस होती है और एक स्टेप्स होती है। ये तीन हड्डियाँ ये साइज़ को कंपेयर करने के लिए अगर आप देखें तो ये उंगली के इतने छोटे से हिस्से के अंदर आ गई, ये कान के अंदर लगी होती हैं और ये हमारे सुनाई देने के लिए, देखें एक कॉइन के ऊपर आ गई हैं तीनों हड्डियाँ, तो ये हमारे सुनाई देने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो वाइब्रेशन हमारे कान से आकर टकराती हैं, यहाँ से जो वाइब्रेशन आकर टकराएगी, इसका मैं बड़ा बनाऊँ, यहाँ से जो वाइब्रेशन आकर टकराएगी हमारे एयर ड्रम के ऊपर, तो वो ट्रांसफ़र होती है इन तीन हड्डियों के ज़रिए अंदर वाले कान के हिस्से में। ओके, तो स्कल के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अब रिब केज की। ठीक है, बल्कि पहले इन्होंने बात की हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, वर्टिब्रल कॉलम की। जो पीछे मौजूद है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, जो कि छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनता है, जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं। अब ये वर्टिब्री पैदाइश के वक्त होते हैं हमारे पास 33, ठीक है, ये 33 पीसेस होते हैं, लेकिन कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके बाद ये 33 से रह जाते हैं 26। कब होते हैं ये फ्यूज़? तो ये 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान में कभी ये फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं ये जो 33 हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है? देखिए, इस क्रेनियम का फंक्शन था ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ब्रेन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से उस ब्रेन की एक्सटेंशन निकलती है। ये अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से उसकी एक्सटेंशन निकलेगी, नीचे तक जाएगी, ये कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है वर्टिब्रल कॉलम की। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक बीच में ना होल होता है जिसके थ्रू जा रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये जो वर्टिब्री है मैंने बताया ये पीसेस हैं 33 पीसेस, इनके दरमियान जो है एक कार्टिलेज का कवर होता है, एक कार्टिलेज की डिस्क होती है, ताकि इन्हें एक दूसरे के साथ टकराने से और डैमेज होने से बचाया जाए, वो कहलाती है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये हमारे पास पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर 33 पीसेस हैं, इनकी डिवीजन है। इसके जो शुरू के 7 पीसेस होते हैं, ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा, ये 7 पीस जो हैं ये हमारी गर्दन में होते हैं, ये कहलाती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल का वर्ड नेक के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद की जो 12 पीसेस हैं, ठीक है, 7 के बाद से 8वां, इसको हम पहला कहेंगे, ठीक है, ये जो इसके बाद के 12 पीसेस हैं ये हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर हैं, तो ये कहलाती हैं थोरेसिक वर्टिब्री। उसके बाद हमारे पास जो 5 हैं ये कहलाती हैं लंबर वर्टिब्री। उसके बाद हमारी जो 5 हैं ये कहलाती हैं सैक्रल वर्टिब्री, और ये वो 5 हैं, ये वाली 5 ये सैक्रल वर्टिब्री कहलाती हैं 1 से 5, और ये फ्यूज़ होकर बनाती हैं एक हड्डी जिसे हम कहते हैं सैक्रम। इसी का मैं बता रहा था कि ये होता है 18 से 30 साल की एज में। और इसके बाद ये जो नीचे वाले सबसे नीचे वाले 4 पीसेज हैं, ये बहुत छोटे छोटे 4 पीसेज हैं, ये भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ये कॉक्सीजियल वर्टिब्री कहलाती हैं, और ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होने के बाद हमारी टेल बोन बनाती हैं जिसे कहते हैं कॉक्सिक्स। ये टेल बोन जो है ये हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, टेल बोन, ठीक है, ये हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी चूंकि हमारे पास टेल तो है नहीं इंसानों में, तो ये टेल हिलाने के काम आती है वैसे दूसरे एनिमल्स के अंदर। तो ये डिवीजन है इस तरह से, ये पूरी की पूरी 33 वर्टिब्री जो है ये डिवाइड हुई हुई होती हैं डिफरेंट हिस्सों के अंदर। अब देखिए 33 में से, ये हमारे पास अगर 33 है तो इसमें से 33 में से अगर मैं ये वाली 5 निकाल दूँ, ये जो सैक्रम है इसकी मैं 5 निकाल दूँ, ठीक है, और ये जो कॉक्सीजियल है इनकी भी मैं 4 निकाल दूँ, तो 5 और 4 बनती हैं 9। तो 33 में से अगर हम 9 निकाल दें तो ये बनता है कितना, 3 ये गए और 6, 24 बनता है, ठीक है। अब मैंने 9 को हटा दिया तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक लंबर वर्टिब्री तक हमारे पास कितने पीसेस हैं, 24। अब मैंने आपको बताया कि ये 5 मिलके बनाएंगे एक, तो 24+1 जो है ये बन गया 25, ठीक है, और ये वाले 4 मिलके बनाएंगे एक, तो 25+1 मिलके बन गया 26। तो इस तरह से
ये जो 33 थे इनसे आगे जाकर बन जाते हैं फ्यूजन के बाद 26 वर्टिब्री रह जाते हैं। काम क्या है इन वर्टिब्रीज का? अच्छा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये सीधा नहीं होता, आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से कर्व होता है, ठीक है? तो ये नॉर्मल कर्व है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का। अच्छा, काम क्या होता है इसका? तो अगर मैं एक वर्टिब्री बनाऊँ, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, तो ये हमारे पास एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये कुछ इस तरह की वर्टिब्री होती है। अच्छा, ये इस तरह होता है, तो दिस इज अ वर्टिब्री, ठीक है? यहाँ पर मौजूद होता है एक अदद होल और ये मौजूद है एक अदद डिस्क। ये डिस्क कहलाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये किस काम आती है? इसके ऊपर वाली जो वर्टिब्री है वो इसके ऊपर आकर बैठेगी ताकि ये दोनों वर्टिब्रीज जो हैं ये एक दूसरे के साथ टकराएं नहीं। और ये जो होल आपको नजर आ रहा है ना, ये इस वाली के अंदर भी होगा, ठीक है? ये वाला पीस जो है इसके अंदर भी होगा, इस वाले के अंदर भी होगा, इस वाले के अंदर भी, और ये कंटिन्यूस जो होल बना हुआ है इसके थ्रू गुजर रही होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है जो कि इस पूरी वर्टिब्री से प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये काम होता है वर्टिब्रल कॉलम का। तो अगेन 33 थे, 33 के बाद जो हिप वर्टिब्री हैं जिन्हें सैक्रल कहते हैं वो फ्यूज हो गई, एक सैक्रम बन गया, और चार टेल वाली वर्टिब्री फ्यूज होकर कॉक्सिक्स बन गई, तो ये रह गई 36। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिब केज। अब रिब केज के अंदर एक तो हमारी सेंटर वाली हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है? तो ये बीच में हमारे पास इस तरह से ये स्टर्नम मौजूद होती है और इस पर आकर अटैच होती है हमारे पास रिब्स। कितनी रिब्स होती हैं? तो ये हमारे पास टोटल 24 रिब्स होती हैं। 24 में से 12 होती हैं राइट साइड पे और 12 होती हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये पहली रिब है, ठीक है? ये आती है पीछे से और आगे आकर अटैच हो जाती है किसके ऊपर? स्टर्नम के ऊपर। पीछे कहाँ से आती है? तो पीछे ये निकलती है वर्टिब्री से, ये निकल रही है वर्टिब्री से। और मज़े की बात यह है कि कौन सी वर्टिब्री से निकल रही है ये? तो आपने पढ़ा था जो नेक के अंदर वर्टिब्री होती हैं वो कहलाती हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद जो 12 वर्टिब्री होती हैं जो थॉरेक्स के अंदर होती हैं वो कहलाती हैं थोरेसिक। तो ये पहली वर्टिब्री है जिसको हम नाम देंगे T1 का। ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री है। इससे एक रिब निकलेगी राइट पे, एक रिब निकलेगी लेफ्ट पे। मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं 12। तो इनमें से हर एक वर्टिब्री से एक रिब राइट पे निकलती है और एक रिब लेफ्ट पे निकलती है, जब भी आपके पास 12 रिब्स मौजूद हैं राइट साइड पे और 12 रिब्स मौजूद हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है पहली, इससे रिब निकलेगी आगे जाएगी, ठीक है? फिर दूसरी वाली से निकलेगी आगे जाएगी, फिर तीसरी वाली से, इस तरह से ये जो 1 से लेकर 12 तक, ये जो 12 की 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, हर एक वर्टिब्री से एक रिब निकल के आगे की तरफ जाएगी और स्टर्नम पे जाकर अटैच होगी। अच्छा, अब सारी रिब्स जो है ना वो स्टर्नम पे जाकर अटैच नहीं होती। तो जैसे कि ये पहली रिब है, यह अगर स्टर्नम पे अटैच हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है। जब सातवीं रिब आकर अटैच होती है ना तो स्टर्नम ख़त्म हो जाती है। जो ये जो बोन आपके सेंटर में है चेस्ट के सेंटर में, ये ख़त्म हो जाती है। तो सात रिब्स जो है ना ये आकर डायरेक्टली अटैच होती हैं, दे आर नोन एज ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स कह रहे हैं इन्हें? क्योंकि ये पीछे भी अटैच हैं। पीछे किससे अटैच हैं? डॉर्सल साइड पे ये अटैच है वर्टिब्री से और वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ ये अटैच हैं स्टर्नम से। सो दीज 7 रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। अच्छा, इसके बाद जो आठवीं रिब है ना वो आकर अटैच होती है इसके साथ, वो घुस जाती है सातवीं में। जो नवीं है वो भी घुसती है सातवीं में और जो दसवीं है वो भी घुसती है सातवीं में। तो सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवीं ये एक पॉइंट के ऊपर आकर अटैच होती है। तो जो सातवीं की अटैचमेंट है ना उसी के साथ अटैच हो जाती है आठवीं, नवीं और दसवीं। ये कहलाती हैं फॉल्स रिब। 8, 9 और 10 ये कहलाती हैं फॉल्स रिब क्योंकि इनकी अपनी अटैचमेंट नहीं है। ये किसके साथ घुस रही हैं जाके? ये घुस रही हैं सातवीं के साथ। अच्छा, अब स्टर्नम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब बच गई 2 रिब्स, 11वीं और 12वीं। ये 11वीं और 12वीं पीछे से आती तो हैं, यानी जो पीछे थोरेसिक वर्टिब्री है उससे निकल कर आएंगी, लेकिन ये आगे कम्प्लीटली आ नहीं पाती। ये छोटी रिब्स होती हैं तो ये साइड में ही रह जाती हैं, इनकी आगे कोई अटैचमेंट नहीं होती, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो ये फ्री होती हैं, ये फ्लोट कर रही होती हैं। तो ये जो 2 रिब्स हैं ये कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स, या इन्हें फ्री रिब्स कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के साथ ना तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और ना ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो तो ये बीच वाली हड्डी जो है हमारे पास, दिस इज स्टर्नम, ठीक है? इसके ऊपर ये रिब्स आकर अटैच हो रही हैं। इसमें जो शुरू की 7 हैं वो अलग अलग अटैच होंगी। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं, ये एक ही साथ आकर अटैच हो रही हैं 7वीं वाली के साथ।
और फिर आपको ये पीछे से दो नज़र आ रही हैं, ये छोटी वाली ये पीछे से निकल कर आ रही हैं लेकिन ये आगे पहुंच नहीं पा रही, ये कहलाती हैं फ्री रिब्स या इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स की डिवीजन है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर स्कल आ गया। स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ थी, स्कल के अंदर थी 22, और जो हमारा रिब केज है उसके अंदर थी हमारे पास कितनी, रिब केज के अंदर 25 हड्डियाँ हैं जिसके अंदर 24 रिब्स हैं और एक सेंटर वाली बोन है जिसे स्टर्नम कहते हैं, और जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर मौजूद है 33 वर्टिब्रे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐड कर लें 22 हड्डियाँ हो गई आपके क्रेनियम में, सॉरी स्कल में, 25 हड्डियाँ हो गई आपके रिब केज में, और 33 बोन्स हो गई आपके वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये मिलाकर बनेगा 80। ये हो गया एक्सियल स्केलेटन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन स्केलेटन का वो हिस्सा है जो कि हमारे लिम्स के अंदर है, अपर लिम के अंदर और लोअर लिम के अंदर, और वो हिस्सा जो कि हमारे लिम्स को जोड़ने के काम आता है, किसके साथ, सेंट्रल वाली बॉडी के साथ। तो पहले हम अपर लिम डिस्कस करते हैं। जो हमारा अपर लिम है उसके अंदर, अपर लिम कह लें या फोर लिम कह लें, जो हाथ है हमारा पूरा, उसके अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा लोअर लिम है उसके अंदर भी 30 हड्डियाँ होती हैं। तो ये किस तरह से डिवाइडेड है, तो ये हमारे पास स्केलेटन है। यहाँ से स्टार्ट होता है अपर लिम। देखिए, अपर लिम का जो पहला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, शोल्डर से लेकर, शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारे पास आर्म। ठीक है, इस आर्म के अंदर एक हड्डी होती है और इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। उसके बाद वाला जो हिस्सा है एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट तक का जो हमारा हिस्सा है, ये कहलाता है फोर आर्म। इस फोर आर्म के अंदर दो हड्डियां होती हैं, एक हड्डी आपको नजर आएगी जिसे हम कहते हैं रेडियस, और एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं अल्ना। ये अगर आपका आर्म वाला पार्ट है जिसके अंदर ह्यूमरस है, तो ये आपका फोर आर्म वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर एक हड्डी जो है हमारे पास रेडियस होगी और एक हड्डी हमारे पास होगी अल्ना। मेनली जो रेडियस होती है वो मोटी होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। जो रेडियस है वो मोटी वाली हड्डी होती है जो कि थंब वाली साइड पे होती है, जहाँ पे अंगूठा होता है आपका, वो रेडियस होती है। और जो पतली वाली हड्डी होती है वो हमारे पास अल्ना होती है। तो तीन हड्डियाँ हो गई, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। इसके बाद आपका आता है ये छोटा सा पार्ट जिसे आप कहते हैं रिस्ट, ये वाला छोटा सा पार्ट जिसे आप रिस्ट कहते हैं, और ये वही पार्ट है जहाँ पर वॉच पहनी जाती है, रिस्ट वॉच। इस रिस्ट वॉच, रिस्ट के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ये कहलाती हैं कार्पल्स, और ये कितनी होती हैं, ये होती हैं तकरीबन 8। जी, छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत छोटी 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 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, या 8 हड्डियाँ होती हैं रिस्ट के अंदर। उसके बाद जो हमारी, उसके बाद जितना भी पार्ट बच गया ना रिस्ट के बाद, वो कहलाता है हैंड। अब हैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है पाम जिसे हथेली कहते हैं, उसके अंदर 5 हड्डियां होती हैं, ये कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। और उसके बाद हमारी आती हैं डिजिट्स जिन्हें उंगलियां कहते हैं, तो डिजिट्स के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कहलाती हैं फेलेंजेस, और ये तकरीबन 14 के करीब होती हैं। इनमें से हर उंगली के अंदर जो है वो 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये 3 फेलेंजेस हो गई। और जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां होती हैं। तो हमारे पास 4 उंगलियां हैं, तो 4 उंगलियों के अंदर 12 फेलेंजेस हो गई, और अंगूठे के अंदर 2, तो ये 12 और 2 बनता है 14। तो ये हमारे पास 14 फेलेंजेस हैं। तो अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये तकरीबन एक लिम के अंदर, अपर लिम के अंदर या अपर आर्म के अंदर हमारे पास 30 हड्डियां बनती हैं। तो 30 हड्डियां इस वाले के अंदर और 30 हड्डियां सेम इस वाले के अंदर, ये तकरीबन 60 हड्डियां हो गई आपके अपर लिम के अंदर। अब आ जाते हैं लोअर लिम की बात कर लेते हैं। तो अगेन लोअर लिम के अंदर भी 30 हड्डियां ही होती हैं। अब ये जो पहला पार्ट आपको नजर आ रहा है जो कि हिप जॉइंट से, ये वाला आपका हिप जॉइंट है, यहाँ से लेकर नी जॉइंट तक, ये वाला पार्ट कहलाता है थाई। और थाई के अंदर एक हड्डी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आर्म के अंदर एक हड्डी थी। दिस इज कॉल्ड फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, आपको नजर भी आ रहा है सबसे बड़ी हड्डी है, और ये बॉडी की सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन भी होती है। सबसे छोटी हड्डियाँ कहाँ होती हैं, मैंने बताया था कान में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। अच्छा, इसके बाद वाला जो पार्ट है नी जॉइंट से लेकर आपके एंकल तक का जो पार्ट है, ये कहलाता है लेग, या इसे शैंक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेग है इसके अंदर 2 हड्डियां होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फोर आर्म में 2 हड्डियां थी। यहाँ वाली हड्डियों के नाम होते हैं टीबिया और फिबुला। अगेन एक मोटी हड्डी आपको नजर आ रही है, ये अंगूठे वाले साइड के ऊपर होगी, दिस इज कॉल्ड टीबिया। वहां पर जो अंगूठे वाले साइड पर थी वो थी रेडियस, ये मोटी हड्डी होती है, और वहां पे पतली हड्डी थी अल्ना। यहाँ पे जो पतली हड्डी आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड फिबुला। तो टिबिया और फिबुला ये लेग के अंदर पाई जाते हैं।
उसके बाद वो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं एंकल। एंकल वो पार्ट है जहाँ पर लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं, जिसे टखना कहते हैं। यहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ जो रिस्ट थी उसमें 8 हड्डियाँ थी जिन्हें कार्पल्स कहते थे, यहाँ 7 हड्डियाँ होती है जिन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। तो एक हड्डी का फर्क आ गया। इसके बाद आता है फुट, जितना भी पार्ट बच गया वो कहलाता है फुट। अब इस फुट के 2 पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हैंड के 2 पार्ट्स थे पाम और डिजिट्स, उसी तरह से फुट के 2 पार्ट हैं। एक कहलाता है सोल, ठीक है, जिसे तलवा कहते हैं। तो सोल के अंदर 5 हड्डियां होती हैं जो कहलाती हैं मेटाटार्सल्स। और उसके बाद डिजिट्स जो हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं, जिन्हें टोस कहते हैं। हाथों की उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं, पैरों की उंगलियों को टोस कहते हैं। तो ये इनके अंदर अगेन 14 हड्डियां होती है जिन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस। बिल्कुल उसी तरीके से हर उंगली के अंदर 3 पीसेस और जो आपका जो अंगूठा है पैर का उसके अंदर 2 पीसेस। जी, छोटी वाली जो उंगली होती है आपकी उसमें लग नहीं रहा होता कि 3 पीसेस होंगे, लेकिन उसमें भी 3 पीसेस मौजूद होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर अभी तक के मुताबिक 29 हड्डियाँ हो गई, 29, जबकि मैंने कहा था 30 होंगी। तो एक बोन जो है वो आपके घुटने के ऊपर लगी होती है, सर्कुलर सी। यहाँ पर एक हड्डी लगी होती है, सर्कुलर सी कैप की तरह की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है पटेला। तो अगर आप इसे मिला लें 21+1 ये हो जाता है 30। तो 30 हड्डियाँ आपके अपर लिम के अंदर है एक, और 30 हड्डियाँ आपके लोअर लिम के अंदर है। तो दोनों अपर लिम के अंदर 60 हो गई, दोनों लोअर लिम के अंदर भी 60 हो गई। तो ये हो गई अब तक की 120 हड्डियाँ। अच्छा, अब रह गया गर्डल। गर्डल जो होता है बेसिकली ये वो पार्ट होता है जिसका काम है आपके अपर लिम को और लोअर लिम को बीच वाले स्केलेटन से जोड़ना। कौन सा स्केलेटन? जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। इस स्केलेटन से जोड़ने का काम जो है ये गर्डल का होता है। अब एक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, जो कि शोल्डर गर्डल भी कहलाता है। इसका काम है अपर लिम को जोड़ना सेंटर वाली बॉडी से। ये बना होता है 2 हड्डियों से, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास स्टर्नम है, सेंटर वाली बोन, ठीक है। इससे ये आपके अटैच हुई हुई है रिब। रिब के ऊपर जो है ना ये एक हड्डी इस तरह जा रही होती है, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल। ये आपकी कॉलर बोन भी है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये क्लेविकल है, ठीक है। और क्लेविकल के पीछे आपके पास एक ट्रायंगुलर सी बोन होती है, ये पीछे की तरफ होती है हमारे बैक पे। बैक पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर सी बोन नज़र आएगी, फील होगी। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो जो एक मशीन होती है जिसमें ऊपर से एक रस्सी खींचते हैं, जिसे विंग्स की मशीन कहते हैं, तो उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है। तो ये क्लेविकल है। तो अगर मैं इस क्लेविकल को अलग करके बनाऊँ, ये क्लेविकल है। इस क्लेविकल के अंदर ना एक अदद सॉकेट होता है, यहाँ पर आकर लगता है हमारा ह्यूमरस का हेड। ये अगले टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो 2 बोन्स हैं, क्लेविकल, ठीक है, ये पतली वाली बोन, और स्कैपुला, इन दोनों का काम है एक ऐसा पॉइंट बनाना कि जहाँ पर आपका अपर लिम आकर अटैच हो सके। तो ये दोनों मिलके कहलाती हैं पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 हड्डियाँ हैं, एक हमारे पास क्लेविकल है और एक हमारे पास स्कैपुला है। तो 2 हड्डियाँ राइट साइड पे हैं राइट पेक्टोरल गर्डल में, और 2 हड्डियाँ लेफ्ट साइड पे हैं लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल में। इसके बाद आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसका काम है लोअर लिम को सेंटर बॉडी के साथ अटैच करना। ये पूरा लोअर लिम अटैच होता है सेंटर बॉडी से इस पॉइंट के ऊपर। तो इसमें एक बड़ी हड्डी होती है, इस बड़ी हड्डी का नाम है इननॉमिनेट बोन, ठीक है, इसका नाम है इननॉमिनेट। अब ये जो इननॉमिनेट बोन है ये खुद 3 हड्डियों से मिलकर बनती है। एक का नाम है इलियम, एक का नाम है इशियम, और एक को हम कहते हैं प्यूबिस। इन तीनों से मिलकर एक बड़ी हड्डी बनती है जिसका नाम है इननॉमिनेट बोन, और इसके अंदर आकर अटैच होता है फीमर का हेड, और ये बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो आपको बोन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली, ये एक इननॉमिनेट बोन है, ठीक है, और इस एक इननॉमिनेट बोन के अंदर 3 हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलियम, ईशियम और प्यूबिस। इलियम ये ऊपर वाली हड्डी है, ये जो ऊपर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इस और ईशियम और प्यूबिस जो है ये नीचे वाली बोन्स हैं। ओके, तो ये हमारा स्केलेटन जो है वो वाइंड अप हो गया है। इसके बाद बस लास्ट बात हमने करनी है स्केलेटन के फंक्शन की। हम बेसिकली एंडोस्केलेटन का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, स्केलेटन के 4 फंक्शंस वही हैं, शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, ठीक है, और लोकोमोशन में हेल्प करना। बट इंसानों के स्केलेटन के जो एंडोस्केलेटन होते हैं बेसिकली जो बॉडी के अंदर होता है, इसके 2 और काम भी होते हैं। बोन के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं मैरो, बोन मैरो,
यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड के सेल। तो तीन तरह के सेल्स जो आपने पढ़े, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, वो तीनों के तीनों यहीं पर प्रोड्यूस होते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। तो बोन मैरो का एक काम हो गया हमारे ब्लड सेल प्रोड्यूस करना। तो ये स्केल्टन के फंक्शन के अंदर आ गया कि स्केल्टन जो है वो बेसिकली फैक्ट्री के तौर पर बिहेव करता है ब्लड के सेल्स की। दूसरा, ये स्टोरेज के तौर पर बिहेव कर रहा है किस चीज़ की, मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है तो उनको जाकर डिपॉजिट करवा दिया जाता है बोन्स में, जिसकी वजह से आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। और इन केस अगर आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम की या फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो बोन्स को तोड़ तोड़ कर वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फोरस निकाला जाता है और ब्लड को सप्लाई किया जाता है। तो ये एडिशनल दो काम है एंडोस्केलेटन के, नंबर वन ब्लड सेल की प्रोडक्शन एंड नंबर टू कैल्शियम की और फॉस्फोरस की स्टोरेज।